की बातों को मान लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, आज के चार दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आपकी जो जो मांगे थी सुप्रीम कोर्ट उस पर वर्क कर लिया, अब आप अपना धरना समाप्त करिए। उसके बाद धरना जीवी बन के चार दिन से सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सबसे बड़े कोर्ट की अवहेलना करने वाले पहलवान क्या देश हित की बात कर सकते हैं? उनके उनके धरने में कौन आ रहा है? किसान संगठन के लोग, खाप पंचायत के लोग, जो और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बैठे रहते हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं, नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोग अगर उस धरने का समर्थन कर रहे हैं तो क्या ये पहलवानों का धरना बचाएगा? बृजभूषण शरण सिंह अगर गलत हैं तो उनका फांसी पर लटका दो ना। कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं कि किसी को जबरदस्ती, बस मैं फला, मैंने बोल दिया, मेरे साथ गलत हुआ, तो उसको क्या फांसी पर लटका दिया जाए? कोर्ट कहाँ चली गई? आईपीसी सीआरपीसी है ना, देश में कानून है ना। कानून को ना मानने वाले लोग देश के लिए कार्य कर सकते हैं क्या? देश में तथाकथित राजनीतिक पार्टियां आज धरने में बैठ के उनका सपोर्ट कर रही हैं, क्या वो देश हित की बात कर रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कहता कि बृजभूषण शरण सिंह का मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अपने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं, जब कमेटी बन गई है तो कमेटी को मौका मिलना चाहिए कि पहलवान डिसाइड करेंगे कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन रेपिस्ट है, कौन बलात्कारी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? वही कोर्ट, वही कचहरी, वही राजा, वही न्यायपालिका, वही कार्यपालिका, तो फिर ठीक है। किसान आंदोलन में जिस तरह की जो भूमिका बनती जा रही है उसमें करणी सेना का क्या योगदान है? देखिए, देश हित के अग्रिम पंक्ति में करणी सेना रही है, सर्व समाज की लड़ाई है। देश में जब जब कुरूतियाँ आई हैं, हम लोग खुल के, हमें राजनीति नहीं करना है, हम राजनीतिक प्रोपोगंडा वाले नहीं हैं, ना हमारे पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है। हम जितना भाजपा का विरोध करते हैं उतना कांग्रेस का, जितना हम अन्य पार्टियों का विरोध करते हैं सभी का उतना विरोध करते हैं। जो देश हित के लिए बात करेगा, मैं तो सीधा कहता हूँ, जो अपने बाप का नहीं, अपने जात का नहीं, जो अपने जात का नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं। मैं राष्ट्रवादी हूँ और मरते दम तक राष्ट्रवादी रहूँगा। ना मैं बृजभूषण शरण सिंह के साथ हूँ, अगर वो गलत है उनको फांसी पर लटका दिया जाए, मैं पहलवानों के साथ भी नहीं हूँ, अगर वो गलत हैं और सही हैं, सही हैं तो मैं उनके साथ हूँ, गलत हूँ तो उनके साथ नहीं हूँ। अभी आपने मन से जैसे कहा था कि हम वहाँ पर कुछ करेंगे, वहाँ जाएंगे, जिस तरीके से देश को तोड़ने की, मैं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत अपने समाज के मंच पे ये बात कह रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से भी ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से देश को तोड़ने के लोग अगर जंतर मंतर पे धरने में आएंगे, तो हमारा धर्म रहा है, छत्री हैं तो देश जोड़ने के लिए हम भी जंतर मंतर पे चलेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, और तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे लोगों को उन्हीं के भाषा में समझाने का समय आ चुका है। आरक्षण को लेकर के आपने अभी बातें कही जी, थोड़ा कुछ और इलैबोरेट करेंगे? देखिए, आरक्षण, मैं एक बात बताता हूँ आपको, देश में कुरूतियाँ तमाम हैं। एजुकेशन और मेडिकल इंजीनियरिंग, जहाज बनाने वाला आदमी अगर 10 नंबर लेके जहाज बनाएगा तो जहाज गिर जाएगी ना। न्यूरो का डॉक्टर अगर 5 नंबर पाके न्यूरो का डॉक्टर बनेगा तो ऑपरेशन दिमाग का नहीं करेगा, आपकी आंख का कर देगा। मैं आप माइक, आपके पास कैमरा है, आप चौथे स्तंभ हैं। दुनिया में 209 देश हैं, मात्र 2 देशों में आरक्षण था, भारत और बांग्लादेश। और 2018 में बांग्लादेश जैसा गरीब मुल्क आरक्षण खत्म कर दिया। दुनिया में इकलौता देश है जो आरक्षण जीवी है, वह हिंदुस्तान। ये तकलीफ का विषय है, आप समझिए। इसमें आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है या क्या? देखिए, ये देश में बैठे लोग जो लोकसभा विधानसभा में मत लेके बैठे हैं, ये उनको सोचना है। हम तो वोटर है ना, हमारे बाप दादाओं ने हूड, मुगल, यहूदियों और अंग्रेजों से देश को आजादी दिला दी, उनके वजह से कुर्सी पे बैठे हैं, तो वो हमको गुलाम बना लिए हैं। संघर्ष की बात आती है तो फिर राजनीति करनी पड़ेगी। देखिए, हमने कहा ना, राजा जिस नीति को बनाता था उसी को राजनीति कहते थे, हमारे बाप दादा राजा होते थे। अब ऐसा ना करिए कि हम राजनीति में आ जाएं, लेकिन हम राजनीति को बहुत दूर से देखना पसंद नहीं करते। उसकी दो वजह हो सकती है, या तो हम अपने चीजों को बैक डाउन कर लें, या तो हम फ्रंट पे आके फ्रंट में बैटिंग कर लें। देश इतने टाइम जिस किस्म परिस्थितियों से गुजर रहा है, हम नहीं चाहते हम एक आंदोलन के लिए पहुंचे। हम देश हित के लिए हैं, हम छत्री हैं, तो हमें पहले देश का, देश को तोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। हम हमेशा कहेंगे आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, हर जात हर समाज के लिए हो, गरीबों को मिले, सबको मिले।